लेकिन हमारे माननीय केंद्र मंत्री अनुराग जी ने भी कई बार इस केंद्र के कोबरा सेंटर के लिए कई बार बातें की, लेकिन जब हमने जमीन दे दी तो उसके बाद वो गायब हो गए। पता नहीं कहाँ खो गए, कहाँ है हमें भी नहीं पता। बड़े दिन हो गए इस इलाके में उन्होंने आना ही छोड़ दिया। लोग भूल रहे उन्हें कि कहाँ चले गए। दखनी बने उससे पहले मैंने सीआरएफ में प्रोजेक्ट में मंजूर करा दिया सड़क का। मैं भी अपने काम पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी का भी सोच गया, कभी गल नहीं करती। बोले भी मेरी मैंने तेरा आज्ञा नहीं पाई थी किसी को। कोई ज्यादा ही होशियार होता मैं ठीक नहीं है। कांग्रेस के 6 बागी व 3 निर्दलीय आज ऑफिशियली बीजेपी के हो गए। इनमें देहरा से वर्ष 2022 में विधानसभा का बतौर निर्दलीय चुनाव जीतने वाले होशियार सिंह भी शामिल हैं। बीते कल ही इन्होंने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया है। ये वही होशियार सिंह हैं जिन्होंने वर्ष 2022 में हुए विधानसभा चुनाव से पहले भी तत्कालीन सीएम जयराम ठाकुर की रहनुमाई में बीजेपी का दामन थामा था, लेकिन केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से 36 का आंकड़ा होने के चलते दाल नहीं गली और इन्हें निर्दलीय ही चुनाव लड़कर विधानसभा पहुंचना पड़ा। अब यही होशियार सिंह विधानसभा की सदस्यता छोड़कर बीजेपी में हो लिए हैं। अब इन्हें पचा पाना अनुराग ठाकुर के लिए कितना टेढ़ा काम होगा ये बताने व समझाने वाली बात नहीं है। बस इतना है कि पार्टी का आदेश मानकर पचाना होगा। आपको हम यहाँ एक साल पुराना वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिसमें अनुराग ठाकुर ने होशियार सिंह को लेकर कुछ इस तरह तंज कसे थे। आइए देखते हैं ये वीडियो रिपोर्ट। कोबरा सेंटर के लिए कई बार बातें की, लेकिन जब हमने जमीन दे दी तो उसके बाद वो गायब हो गए। पता नहीं कहाँ खो गए, कहाँ है हमें भी नहीं पता। बड़े दिन हो गए इस इलाके में उन्होंने आना ही छोड़ दिया। लोग भूल रहे उन्हें कि कहाँ चले गए। जब वो विधायक तक नहीं बने उससे पहले मैंने सीआरएफ में प्रोजेक्ट मंजूर करा दिया सड़क का। मैं भी अपने काम पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी कभी सोचे ने कभी गल नहीं की। बोले भी मेरी मैंने तेरा आख्या नहीं भाई तू दसी दे। कोई मेहनत करके कुछ लाए तब तो ठीक है, लेकिन गाली गलोच बदनाम करने की राजनीति अच्छी नहीं, हमारे हिमाचल की संस्कृति भी नहीं। कोई ज्यादा ही होशियार होता मैं ठीक नहीं है। नुकसान इलाके का होता है,